आज हम पढ़ेंगे इंटरनल स्ट्रक्चर इन रिलेशन टू ट्रांसपिरेशन एंड फोटोसिंथेसिस। हम लोग जानते हैं प्लांट्स में लीफ का फंक्शन क्या होता है, ठीक है। लीव्स क्या करता है, फोटोसिंथेसिस से फूड मटेरियल बनाते हैं, ठीक है। प्लांट्स में ट्रांसपिरेशन में हेल्प करते हैं, एक्स्ट्रा जो वाटर है वाटर वेपर के रूप में बाहर निकलने में हेल्प करता है। फिर गैसियस एक्सचेंज, ऑक्सीजन को अंदर लाना, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ना, ये सब गैसियस एक्सचेंज में भी हेल्प करते हैं, ठीक है। तो लीव्स में बहुत सारे स्पेशलाइज स्ट्रक्चर पाया जाता है जो कि इस टाइप का काम करने में हेल्प करते हैं। तो हम लोग देखते हैं कि किसी किसी जगह में क्या होता है, लाइट की मतलब लाइट की मात्रा ज्यादा होता है और टेम्परेचर भी ज्यादा होता है। ऐसे जगह में प्लांट्स जो है उस कंडीशन के हिसाब से अपने आप में थोड़ा सा चेंज लाते हैं। कुछ कुछ स्ट्रक्चर प्लांट्स में ऐसा बन जाता है जो उस टाइप के एनवायरमेंट को फेस करने के लिए उसमें बन जाता है, जिससे उसी वातावरण में वो अच्छे से सब प्लांट्स का जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज हो सब काम ठीक से हो सके, ठीक है। ऐसे ही कुछ स्ट्रक्चर को हम लोग देखेंगे, जैसे ट्राइकोम। ट्राइकोम किसको बोलेंगे, जैसे लीव्स के सबसे बाहर के जो एपिडर्मिस होता है उस एपिडर्मिस के ऊपर कुछ स्ट्रक्चर बन जाता है, जैसे कभी कभी कुछ हेयर लाइक स्ट्रक्चर, ग्रेन्यूलर स्ट्रक्चर, डिस्कॉर्डियल स्ट्रक्चर, वेसिकुलर स्ट्रक्चर, ऐसे बहुत सारे, जैसे ब्रांच्ड अनब्रांच्ड स्ट्रक्चर भी बन जाता है हेयर लाइक, कुछ ब्रांच्ड हेयर लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है, इस टाइप के ब्रांच हेयर लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है, इस टाइप के स्ट्रक्चर बनता है, और इस टाइप के डिस्कॉइड पेल्टेड, बहुत सारे अलग अलग टाइप के स्ट्रक्चर एपिडर्मिस के ऊपर बन जाता है, ठीक है। इसको हम क्या बोलेंगे, ट्राइकोम। इसका काम क्या होता है कि ट्रांसपिरेशन, जो प्लांट्स में एक्स्ट्रा वाटर जो इवेपोरेट होके बाहर निकलता है उस ट्रांसपिरेशन को थोड़ा कम करने की कोशिश करता है, ठीक है। ट्रांसपिरेशन कम हो जाएगा तो क्या होगा, प्लांट्स के वाटर कम से कम वाटर बाहर जा पाएगा, ज्यादा वाटर बाहर नहीं जा पाएगा, क्योंकि जिस जगह में जीरोफाइटिक प्लांट्स में क्या होता है कि वाटर ज्यादा से ज्यादा प्लांट्स को जरूरत पड़ती है, उस टाइप से वाटर उनको मिलता नहीं है, इसलिए वाटर कम वेपर होके बाहर निकले, इसलिए प्लांट्स में बहुत सारे एडोप्टेशन पाया जाता है, इस टाइप के बहुत सारे स्ट्रक्चर पाया जाता है, ठीक है। तो इसको हम बोलेंगे ट्राइकोम। अब हम देखेंगे एपिडर्मिस। एपिडर्मिस सबसे पहले इसको एपिडर्मिस के ऊपर जो स्ट्रक्चर था इसको हम क्या बोले थे, ट्राइकोम, ठीक है। एपिडर्मिस, एपिडर्मिस में भी बहुत सारे अलग अलग टाइप का स्ट्रक्चर पाया जाता है, जैसे हाइड्रोफिटिक प्लांट। हाइड्रोफिटिक प्लांट में क्या होता है, ज्यादातर पानी में डूबा हुआ रहता है, इसलिए जो बाहर का जो एपिडर्मिस होता है उसी में क्लोरोफिल पाया जाता है, उसमें भी क्लोरोफिल पाया जाता है जिससे ज्यादा से ज्यादा फोटोसिंथेसिस कर सके, ठीक है। लेकिन जीरोफिटिक प्लांट्स में क्या होता है, जो एपिडर्मिस है उसके ऊपर थिक क्यूटिकल का लेयर पाया जाता है, ये थिक क्यूटिकल का लेयर पाए जाने से कम ट्रांसपिरेशन होगा, वाटर का लॉस बहुत कम होगा, ठीक है। कई प्लांट्स में तो ऐसा होता है कि थिक, जैसे कई प्लांट्स में ऐसे थिक क्यूटिकल का लेयर पाया जाता है ट्रांसपिरेशन को कम करने के लिए, ठीक है। और कई प्लांट्स में क्यूटिकल जो है, क्यूटिकल के नीचे वैक्स का भी लेयर पाया जाता है, वैक्सी लेयर क्यूटिकल के नीचे पाया जाता है, ठीक है। उसके बाद कुछ प्लांट्स के एपिडर्मिस में ग्रेन्यूलर ऐसे वैक्सी रॉड्स पाया जाता है, जैसे लाइट आता है, लाइट आके मतलब रिफ्लेक्ट होके बाहर चले जाए, ज्यादा से ज्यादा लाइट लिप पर ना पड़े, इस टाइप से कई रिफ्लेक्टेंट हेयर्स भी पाया जाता है, ठीक है। वैक्सी रॉड्स जैसा हेयर पाया जाता है। कुछ एपिडर्मल सेल्स में सिलिका का सेल पाया जाता है, कुछ में ऐसा होता है कि सुबेराइज कॉर्क सेल, ऊपर सिलिका नीचे कॉर्क सेल पाया जाता है सुबेरिन का, ठीक है। ये सब चीजें इसलिए पाए जाते हैं कि ट्रांसपिरेशन रेट को कम करने के लिए, ट्रांसपिरेशन रेट कम से कम हो, इसलिए बहुत सारे मोनोकॉट्स प्लांट्स में, ठीक है, जैसे फैमिली ग्रामिनी और बहुत सारे मोनोकॉट्स में क्या पाया जाता है, ये जो एपिडर्मिस है इसमें बड़े बड़े इस टाइप के सेल्स पाए जाते हैं, ठीक है। इस टाइप के सेल्स को बोला जाता है बुलीफॉर्म सेल्स। जब लाइट ज्यादा से ज्यादा उसमें पड़ता है तब क्या होता है, ये जो बुलीफॉर्म सेल्स होते हैं अंदर की ओर फोल्ड कर लेते हैं अपने आप को, ठीक है, लीफ के अंदर की ओर फोल्ड कर लेते हैं। अंदर फोल्ड करने से क्या हो जाएगा, सेल का जो वाटर लॉस होगा वो कम होगा, वाटर लॉस कम हो जाएगा,
और ट्रांसपिरेशन रेट कम हो जाएगा। ठीक है, इस टाइप से बहुत सारे प्लांट्स में अलग अलग टाइप का कैरेक्टर पाया जाता है। और बहुत सारे प्लांट्स के जो एपिडर्मिस होता है उसमें स्टोमेटा पाया जाता है, हम लोग जानते हैं, छोटे छोटे पोर लाइक स्ट्रक्चर पाया जाता है जिसको बोलेंगे स्टोमेटा। ठीक है, तो ज्यादातर प्लांट्स में क्या होता है, ऊपर स्टोमेटा नहीं पाया जाता है, लोअर सरफेस में स्टोमेटा पाया जाता है। और डायकोट प्लांट्स में स्टोमेटा का स्ट्रक्चर कैसा होता है, किडनी शेप। डायकोट प्लांट्स में स्टोमेटा का स्ट्रक्चर होता है किडनी शेप, और मोनोकोट प्लांट में स्टोमेटा का स्ट्रक्चर होता है बेल शेप्ड। ठीक है, तो स्टोमेटा जो है गैसियस एक्सचेंज में हेल्प करता है, ट्रांसपिरेशन में हेल्प करता है, और प्लांट्स के जो ऊपर का सरफेस होता है उसको कंट्रोल करने के लिए, मतलब उसमें टेम्परेचर को कंट्रोल करने का काम भी स्टोमेटा करते हैं। ठीक है, प्लांट बॉडी में वाटर को टेम्परेचर को कंट्रोल करने का काम करते हैं स्टोमेटा। अब हम देखेंगे एडोप्टेशन टू वाटर स्ट्रेस इन लीफ। प्लांट्स जो वाटर स्ट्रेस का मतलब क्या होता है, वाटर की कमी। प्लांट्स में कई बार ऐसा होता है कि वाटर उनको मिलता ही नहीं ठीक से, तो जब वाटर नहीं मिलता है तो प्लांट्स में कुछ नए नए टाइप के एडोप्टेशन हो जाता है, मतलब बाहर के मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर में भी कुछ चेंज दिखता है, अंदर मेटाबोलिक एक्टिविटीज में भी कुछ चेंज दिखता है। ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे, वाटर स्ट्रेस। तो एनवायरमेंटल कंडीशन जब अनफेवरेबल रहता है प्लांट्स के लिए जब एनवायरमेंटल कंडीशन अनफेवरेबल रहता है उसी को बोला जाता है स्ट्रेस। ठीक है, बहुत बार क्या होता है, जब पानी की मात्रा कम मिलती है उस समय प्लांट्स मेटाबॉलिक एक्टिविटीज में बहुत सारा चेंज आ जाता है। ठीक है, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज के में बहुत सारा प्लांट्स में चेंज आ जाता है, तो उस टाइप से चेंज करके वो अपने आप को उस कंडीशन में ठीक से रखने के लिए कोशिश करता है। ठीक है, तो इस टाइप के जो स्ट्रेस होता है उसको बोला जाता है स्ट्रेस अवॉइडेंस। इस टाइप के जो एडोप्टेशन प्लांट्स में पाया जाता है, प्लांट्स कम से कम कोशिश करते हैं कि स्ट्रेस को कैसे स्ट्रेस से निपटा जाए, उसको हम क्या बोलेंगे, स्ट्रेस अवॉइडेंस। और कुछ प्लांट्स में ऐसा होता है कि कुछ कैपेसिटी उसमें डेवलप हो जाता है स्ट्रेस से निपटने के लिए, स्ट्रेस सिचुएशन से सामना करने के लिए उसमें कुछ ना कुछ चेंज आ जाता है, तो उस जो कैपेसिटी जो डेवलप होता है उसको हम बोलेंगे स्ट्रेस टॉलरेंस। ठीक है, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज में जब चेंज आ जाता है स्ट्रेस से उसको हम बोलेंगे स्ट्रेस अवॉइडेंस, और जब उसमें कुछ ना कुछ कैपेसिटी बिल्ड करते हैं, एडोप्टेशन बिल्ड करते हैं स्ट्रेस से लड़ने के लिए, उसको हम बोलेंगे स्ट्रेस टॉलरेंस। अब हम देखेंगे स्ट्रेस अवॉइडेंस में क्या चेंज आता है और स्ट्रेस टॉलरेंस में क्या चेंज। ठीक है, तो प्लांट्स बहुत सारे स्ट्रेस कंडीशन को एडॉप्ट करने के लिए उसमें बहुत सारी चीजें पाया जाता है, जैसे ट्रांसपिरेशन को रिड्यूस करने के लिए स्टोमेटा क्लोज हो जाता है। ठीक है, स्टोमेटा जो है ज्यादातर उसमें, जैसे जीरोफिटिक प्लांट होता है स्टोमेटा दिन में क्लोज रहता है, रात को स्टोमेटा खुलता है। ठीक है, रात को स्टोमेटा खुलने से ज्यादा से कम ट्रांसपिरेशन होगा, क्योंकि रात को स्टोमेटा खुलने से सनलाइट उसमें नहीं पड़ रहा है, एवोपोरेशन कम हो रहा है। ठीक है, इस टाइप से कई बार क्या होता है, जीरोफिटिक प्लांट्स में वाटर को स्टोर करके रखते हैं। ठीक है, प्लांट्स के अंदर वाटर को स्टोर करके रखने की उसमें कैपेसिटी पाया जाता है, और प्लांट्स का जो स्टेम होता है वो स्पाइन्स का रूप ले लेते हैं। ठीक है, स्टेम में भी बहुत सारे अमाउंट ऑफ वाटर स्टोर करके भी रखते हैं कई प्लांट्स में रिड्यूस हो जाता है, लीफ स्पाइन का रूप ले लेते हैं, ऐसे बहुत सारे चेंजेस पाए जाते हैं। क्यूटिकल, जो लीफ के एपिडर्मिस के बाहर का जो क्यूटिकल होता है वो मोटा होता है, ज्यादा से ज्यादा थीक होता है ट्रांसपिरेशन को रोकने के लिए। ठीक है, इस टाइप से बहुत सारे एग्जाम्पल है जो कि स्ट्रेस अवॉइडेंस का एग्जाम्पल है। अब हम देखेंगे स्ट्रेस टॉलरेंस। स्ट्रेस टॉलरेंस में क्या होता है, इस प्रोसेस में थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम डेवलप होता है एनवायरमेंट कंडीशन में सामना करने के लिए। ठीक है, मतलब टेम्परेचर कंट्रोल करने की कैपेसिटी डेवलप करते हैं वो, जिससे प्लांट्स के अंदर का मेटाबॉलिक एक्टिविटीज ठीक से हो सके। तो लीव्स में फोल्डिंग पाया जाना, ठीक है, जैसे फन लीव्स में फोल्डिंग पाया, फन में हम लोग देखे हैं कि लीव्स पहले ऐसे फोल्ड पाया जाता है फिर बाद में धीरे धीरे खुलता है, ये चीजें भी वो ऐसे ही, मतलब इंटेंसिटी
वाटर लाइट जो इसके में पड़ता है उसको कम करने के लिए ही वो ऐसे फॉल्ट में रहता है। ठीक है, लाइट कम से कम उसमें लाइट ऊपर पड़े तो नीचे की मेटाबॉलिक एक्टिविटी सिक से हो, उसके बाद धीरे धीरे खुलता है। रूट ग्रोथ भी, जैसे लाइट की टेम्परेचर जो ज्यादा से ज्यादा पड़ेगा तो क्या होगा, रूट रूट को भी ज्यादा से ज्यादा चारों तरफ फैला के ग्रोथ करने का भी कर लेते हैं इन लोग। ऐसा करने से ज्यादा आसपास के किसी भी जगह से वाटर को मतलब वाटर एब्जॉर्ब करने की क्षमता आ जाती है उसमें। ठीक है, चारों तरफ रूट को डेवलप करके वाटर को ज्यादा से ज्यादा एब्जॉर्ब करने की कोशिश करते हैं। ऑस्मोटिक एडजस्टमेंट, जाइलम जो है उसका डायमीटर चौड़ा हो जाता है, जो रूट का जो जाइलम है उसका डायमीटर चौड़ा हो जाता है। डायमीटर चौड़ा होने से क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा वाटर ऊपर की ओर जा पाएगा। ठीक है, और उसके बाद उस कंडीशन चले जाने के बाद फिर धीरे धीरे प्लांट्स पुराने फॉर्म में आ जाते हैं। ठीक है, उस समय जिस समय की टेम्परेचर ज्यादा होता है उस समय से निपटने के लिए ये सब प्लांट्स में एडोप्टेशन आता है। ठीक है, इस टाइप से प्लांट्स में मॉर्फोलॉजिकल एंड फिजियोलॉजिकल बहुत सारे चेंजेस आता है। ठीक है, एडजस्ट करने के लिए प्लांट्स में ये सब चेंजेस आता है। बाहर से मॉर्फोलॉजिकल मतलब प्लांट्स के आउटर स्ट्रक्चर में भी चेंज आ जाता है, और फिजियोलॉजिकल मतलब मेटाबॉलिक एक्टिविटीज में भी बहुत सारा चेंज आ जाता है। कई बार ये एडोप्टेशन जो है जेनेटिकली हेरिटेबल रहता है, मतलब जेनेटिक कंडीशन ही उनका ऐसा रहता है। जैसे जीरोफिटिक प्लांट, जीरोफिटिक प्लांट्स में जेनेटिकली हेरिटेबल होता है ये, ऐसे जेनेटिक कंडीशन ही उनका ऐसा होता है कि वो जीरोफिटिक ही होता है तो उसको ये सब टॉलरेंस लेना ही पड़ेगा। ठीक है, और बहुत सारे प्लांट्स ऐसा होता है जो कि नॉन हेरिटेबल होता है, मतलब जेनेटिकल उसमें वो कैरेक्टर नहीं पाया जाता लेकिन स्ट्रेस का सामना करना पड़ेगा। ठीक है, इस टाइप के प्लांट्स को बोला जाता है एक्लीमेशन, इस टाइप के सिचुएशन को एक्लीमेशन बोलते हैं। तो एडोप्टेशन बहुत सारे प्लांट्स में फिजियोलॉजिकल चेंज भी लाता है, बहुत सारे प्लांट्स में मॉर्फोलॉजिकल चेंज भी लाता है। तो फिजियोलॉजिकल क्या क्या चेंज होता है हम लोग थोड़ा देख लेते हैं। ठीक है, तो प्लांट्स में जब वाटर स्ट्रेस रहता है, वाटर की बहुत ज्यादा कमी हो जाती है, उस समय प्लांट्स के अंदर जो सेल रहता है, ठीक है, उस सेल्स का जो मेम्ब्रेन रहता है, हम लोग जानते हैं लाइपोप्रोटीन का मेम्ब्रेन रहता है। ठीक है, लाइपोप्रोटीन मेम्ब्रेन जो है उसमें पोर बन जाता है, बहुत सारे पोर बन जाता है, पोरस हो जाता है। और इसमें पोर बन जाने से क्या हो जाएगा, इसके अंदर साइटोप्लाज्म, जो सेल के अंदर जो साइटोप्लाज्म रहता है उसका लिक्विड बाहर आ जाता है। ठीक है, बाहर आके जो दोनों बहुत सारा सेल है उसके सेल के बीच में इंटर सेलुलर स्पेसिस में वो जमा हो जाता है। साइटोप्लाज्म बाहर आके इंटर सेलुलर स्पेसिस में जमा हो जाता है। ठीक है, इंटर सेलुलर स्पेसिस में जमा हो जाने से क्या हो जाएगा, सेल के मेम्ब्रेन में एक कैरेक्टर रहता है सिलेक्टिव परमिएबल, हर चीजों को अंदर जाने नहीं देता है, सिलेक्टिव चीजों को ही अंदर जाने देते हैं। ठीक है, लेकिन इसमें इतने सारे पोर बन गया, इसके साइटोप्लाज्म बाहर आ गया, इससे क्या हो जाता है, सिलेक्टिव परमिएबिलिटी जो है इसका खत्म हो जाता है, इसके अंदर जो एंजाइम का एक्टिविटी होता है वो भी ठीक से नहीं हो पाता है। ठीक है, जब एंजाइमिक एक्टिविटी भी नहीं हो जाएगा, इसमें सिलेक्टिव परमिएबिलिटी भी नहीं हो पाएगा, तो क्या हो जाएगा, सेल पूरी तरह से खराब हो जाता है, क्योंकि सेल के अंदर मेटाबॉलिक एक्टिविटीज जो है वो हो ही नहीं पाएगा ठीक से इतना डिस्टर्बेंस आने से। ठीक है, और क्लोरोप्लास्ट जो है वो भी बहुत ज्यादा स्ट्रेस कंडीशन हो जाने से क्या हो जाएगा, फोटोसिंथेसिस भी ठीक से नहीं हो पाएगा, क्योंकि कार्बन स्टोमेटा बंद हो जाता है, स्टोमेटा बंद हो जाने से कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करने की क्षमता जो है वो कम हो जाता है। ठीक है, थाइलेकोइड एंड एटीपी सिंथेटिस एंजाइम, थाइलेकोइड एंजाइम एटीपी सिंथेटिस एंजाइम जो कि फोटोसिंथेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, वो सब चीजें जो है सब खराब हो जाता है, डैमेज हो जाता है। ठीक है, और लीव्स के अंदर मैग्नीशियम आयन का कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, और वाटर की कमी हो जाने से क्या हो जाएगा, सॉल्यूट कॉन्सेंट्रेशन भी बढ़ जाएगा। ठीक है, सॉल्यूट कॉन्सेंट्रेशन सेल के अंदर बढ़ जाएगा, जिससे कि वाटर पोटेंशियल कम हो जाता है। ठीक है, तो ये सब वाटर पोटेंशियल कम हो जाने से, सॉल्यूट की मात्रा बढ़ जाने से क्या हो जाता है, प्रोलीन एमिनो एसिड का बायोसिंथेसिस हो जाता है, एक टाइप के अमीनो एसिड रहता है प्रोलीन, उसका सिंथेसिस होने लगता है।
ठीक है, उसके सिंथेसिस हो जाने से क्या होता है, ऑस्मोटिक प्रेशर जो है बढ़ जाता है और सेल टारगेट हो जाता है, सेल फूल जाता है, इतने सारे चेंज फिजियोलॉजी के लेवल में आ जाता है। ठीक है, सबसे पहले जो लाइपोप्रोटीन मेम्ब्रेन होता है वो डैमेज हो जाता है, डैमेज हो जाने से क्या हो जाएगा, पूरे पोरस बहुत सारे पोर बन जाएगा, पोर बनने से इसके अंदर के साइटोप्लाज्म पूरे बाहर आ जाता है और सेल के अंदर के बीच में जो इंटरसेलुलर स्पेसिस है उसमें जमा हो जाता है। ठीक है, इस टाइप के इंटरसेलुलर स्पेसिस में जमा हो जाने से क्या हो जाएगा, सिलेक्टिव परमेबिलिटी खराब हो जाएगा, मेम्ब्रेन में जो एंजाइम का काम है वो भी रुक जाता है, पूरे सेल खराब हो जाता है, स्टोमेटा क्लोज हो जाता है, इसलिए फोटोसिंथेसिस ठीक से नहीं हो पाता, कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब नहीं कर पाता है। ठीक है, एटीपी सिंथेसिस, थायरॉइड, ये सब चीजें जो है डैमेज हो जाता है, मैग्नीशियम आयन की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा हो जाता है, सॉल्यूट कॉन्सेंट्रेशन की मात्रा ज्यादा हो जाती है, इसलिए वाटर पोटेंशियल कम हो जाता है। ठीक है, प्रोलीन एमिनो एसिड का बायोसिंथेसिस होता है, ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ जाता है और इससे क्या हो जाता है, सेल जो है फूल जाता है, टारगेट हो जाता है। ठीक है, ये था फिजियोलॉजिकल लेवल, इतने सारे फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज इसमें चेंज हो जाता है। ठीक है, अब हम देखेंगे एडोप्टेशन एट मॉर्फोलॉजिकल लेवल। मॉर्फोलॉजी मतलब प्लांट्स के बाहर का स्ट्रक्चर, बाहर से भी प्लांट्स में बहुत सारे अलग अलग स्ट्रक्चरल चेंजेस देखने को मिलता है। ठीक है, जैसे वेजिटेटिव ग्रोथ, प्लांट्स के वेजिटेटिव ग्रोथ मतलब एक निश्चित लंबाई तक प्लांट्स बड़ा होता है वो रुक जाता है। ठीक है, लीफ का साइज एंड शेप चेंज हो जाता है, बहुत ही छोटा छोटा हो जाता है जिससे कि ट्रांसपिरेशन कम से कम हो, और क्यूटीन जो है लीफ सरफेस में क्यूटीन जमा हो जाता है, लीफ का जो सरफेस होता है उसमें मोटे क्यूटीन जमा हो जाता है और लीफ धीरे धीरे येलो कलर का हो जाता है और इसमें सेनेशन देखने को मिलता है, सेनेशन मतलब झड़ जाता है, लीफ झड़ जाता है। ठीक है, और लीफ झड़ जाएगा, लीफ येलो हो जाएगा और क्यूटीन के मोटे सरफेस हो जाएगा, ये सबसे क्या हो जाता है, लीफ एब्सेशन होता है। ठीक है, सेनेसेंस मतलब मर जाना और एब्सेशन मतलब झड़ जाना। तो ज्यादा से ज्यादा प्लांट्स जो है सीधा रहता है, सीधा रहने से कि ज्यादा से ज्यादा लाइट इस पर पड़ता है तो इसलिए वो सब प्लांट्स क्या हो जाता है, झुक जाता है। ठीक है, जैसे हॉरिजेंटल ओरिएंटेशन जो है वो चेंज होकर वर्टिकल ओरिएंटेशन हो जाता है। ठीक है, प्लांट्स का हॉरिजेंटल ओरिएंटेशन जो है वो वर्टिकल ओरिएंटेशन में चेंज हो जाता है जिससे कम से कम लाइट उसमें पड़े, रिफ्लेक्टेंट बहुत सारे हेयर बन जाता है लीफ में, स्टेम में बहुत सारे हेयर्स, रिफ्लेक्टेंट हेयर बोला जाता है उसको, क्योंकि सनलाइट इसमें पड़ेगा और रिफ्लेक्ट होके फिर चला जाए, ज्यादा से ज्यादा प्लांट्स के अंदर ना आ पाए, इसलिए बहुत सारे रिफ्लेक्टेंट हेयर डेवलप हो जाता है। ठीक है, इस टाइप से बहुत सारे मॉर्फोलॉजिकल फिजियोलॉजिकल चेंजेस आ जाता है जब वाटर स्ट्रेस होता है लीफ में, मतलब वाटर की कमी होती है या उस जगह में प्लांट ग्रो करता है जहां वाटर उसको नहीं मिल पाती है।